हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है जी सफाई अभियान का। तो सफाई शुरू होगी है बेड के पीछे से, क्योंकि छोटे बच्चे अब निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आंटी काम वाली नहीं निकालती हैं, तो ये खुद से करना पड़ता है। जब तक वो आती तब तक बच्चा या कुछ सो रहा होता, तो मैंने पीछे से सारा बेड साफ कर दिया था। बेडशीट वगैरह उठा ली थी, थोड़ा टॉप वगैरह साफ कर ली थी, तो कन्नू घूम रही थी, ये सारे एक साइड कर दिया था छोटे बेड पर मैंने। तो सारा पीछे से मैंने देख सकते हो आप कितना क्लीन कर दिया था सारा A to Z, क्योंकि इसके पीछे बच्चे कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से किया ये सारा कुछ। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अब नाश्ता पानी हमारा हो गया, दूध दाद पी लिया है, तो अब आ गए हैं हम रूम में अपने। तो अब लगे मैं साफ सफाई करने। बेड बुड मैंने सारा साफ कर लिया है, पीछे से भी सारा कूड़ा निकाल दिया है। फिर क्या होता ना, फिर बच्चा सो जाता फिर मुश्किल हो जाता, तो ये देखो कितना सारा कूड़ा निकला है, देख सकते हो। अब बेड शीट वगैरह चेंज कर दे। तो यहाँ पे मैं कंबल फोल्ड कर रही हूँ, तो इसको फोल्ड करना भी तो हल्का है, जो दूसरे वाला है वो तो बड़ा मुश्किल से करना पड़ता है। तो अभी भी कभी कंबल रख देते हैं, कभी ले आते हैं, कभी मौसम कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। तो छोटे बच्चों को तो ठंडी लगती है, फिर मैंने यहीं पे तय मार के रख दिया था। ये वाला कंबल बहुत भारी है, इसको कवर करना बड़ा मुश्किल है, तो आप देख ही सकते हो। तो मैंने बड़ी मिसेस इसको बनाया, बड़ी मिसेस तो साइड कर दिया था यहाँ पे बच्चों के साथ। तो तो कभी ये कभी बेड इतना वगैरह काम हो साफ हो जाता गया, है कि अब उधर क्या रह गया बताए। दूसरा कमरा। पहले मैं इनको नला देती हूँ, फिर जाके दूसरा कमरा करेंगे साफ। चलो बेटा नहाने, क्योंकि मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे नहा धो के हो गए हैं जी हम फ्री, और बच्चे भी नहा गए हैं दोनों, पर छोटे वाले गुड्डू को नहीं नलाया है। तो आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है और इसको नलाएंगे कल, तो एक एक दिन छोड़ के इनको करती हूँ। और बस बालों में कंघी करने को रह गई। कोई बात नहीं, इसको पकड़ने दे, छोटे वाली है। कन्नू पी रही है अपनी चाय, कन्नू को नला दिया, बस गुद करनी बाकी रहेगी है। अब साफ सफाई A to Z हो गई है, बस बेटा ऐसे नहीं करते हो। तो साफ सफाई हो गई है A to Z, आप देख सकते हैं। बच्चों ने लगाए अपने कार्टून और मैं भी बस अब बैठती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर बनाएंगे। आज दोपहर में बनाई है मैंने येलो दाल और राइस चढ़ाऊंगी। अभी थोड़ा सा मैंने मलाई रखी है जमा करके, तो उसमें थोड़ा सा घी बनाऊंगी, तो अच्छा लगता है येलो दाल के साथ। तो बस जी, काम तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, ज़िंदगी ख़त्म होने को हो जाती है। तो यहाँ भी छोटे वाले गुड्डो मेरी चेह चेह बहुत कर रही है, क्योंकि वो परेशान है, उसके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब इसके लिए मेडिसिन लाएंगे, शाम को ही होएगा। अब जल्दी पियो बेटा जल्दी। तो बाल धोए हैं, देख लो आप मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं, जैसे तो वाइट भी होना शुरू हो गए, ये देख सकते हो आप। अब देखो जी बच्चे, पहले क्या जिंदगी थी और अब देखो बच्चों ने के बाद क्या जिंदगी है। रात को बिल्कुल भी सोया नहीं जाता, डार्क सर्कल देखो आंखों के नीचे से कैसे हो गए हैं। तो चलो बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर सब सही हो जाएगा, अब देखो अभी भी रो रही है। तो यहाँ पे सारी साफ सफाई A to Z कर दी है, तो रूम की भी मैंने गुत कर दी है। बच्चे को नहा धुला के कर दिया है तैयार, दिखाओ अपनी गुत। ये देखो हमारे करते थे ऐसे, फिर मैं थोड़ी बहुत कर ली जैसे आती थी। तो अब अंदर भी साफ सफाई हो गई है A to Z, मैं आप उसे दिखाती। तो कन्नू यहाँ पे छोटी गुड्डू को पकड़ के बैठी है, ये देखो जी परेशान बहुत। बेटा मैं बना लूंगी इसको, रहने दो, मास्क को ना उधर रखना, उसमें अलमारी वाले बॉक्स में मिलते नहीं है, फिर बाद में। तो अभी यहाँ पे सारी A to Z दोनों रूमों की साफ सफाई A to Z हो गई है। तो अभी खलारा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोटे कपड़े निकले हैं, तो अभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है कभी कैसा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ तो एक साथ ही रखेंगे, मैंने अभी नहीं रखा कुछ भी नहीं, कभी गर्मी हो रही है कभी सर्दी हो रही है। तो अभी जो भी जैसा पड़ा है रहने दो, क्योंकि एक साथ ही बेड खोलेंगे, इसके पापा घर पे होंगे, क्योंकि बच्चों के बस की बात नहीं है ना मेरे बस की इतनी बात है, क्योंकि बेड बहुत भारी भारी ऊपर बड़े में से चकने पड़ते हैं। तो मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, अब बनाना है लंच। लंच दाल सुबह की बनी है, मैं चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे मलाई जमी है, मलाई हो गई इकट्ठी, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे में, देख सकते हो यहाँ पर मेरी मलाई हो गई है इकट्ठी। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी सुबह, येलो दाल और धोती मूंगी की दाल मिक्स करके बनाई थी। तो ये मैंने पतीला निकाल दिया घी बनाने के लिए, इसको साफ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धो रही हूँ साथ में, इसमें प्रेशर कुकर में बनाऊँगी राइस, बच्चे बोल रहे हमने खाने हैं राइस, और जितनी मलाई पड़ी है पतीले में सारी इकट्ठी करके इसका घी बना।
छोटे वाली गुड्डो कर रही है बहुत ही ज्यादा परेशान, वो किसी के पास नहीं टिक रही है। जा बेटा रू इसको घुमा ले बाहर, अंदर बाहर जाओ। तो ये घड़ी में चावल जोर चढ़ा दो, घी चढ़ा दो, फिर मैं उसको खुद करके सुला देती हूँ। बहुत परेशान, दे दे करने बेटा, ये बाहर घुमा ले। तो ये दोनों लड़ती हैं ऐसे आपस में। तो अब करते हैं जल्दी जल्दी लंच बनाते हैं, क्या करें फिर मुश्किल हो जाता है। तो करते हैं फिर इसको सुलाने की तैयारी। ना सो पा रही है ना कुछ कर पाई। अब मैंने इसको शहद वाली चूसने दी है चूसने के लिए, तो उससे भी इसको नहीं फर्क पड़ रहा बेचारी, जो तो दर्द है। चलो खेलो इसके साथ, जब गुड्डो रुई नहीं खरी चलना बैठो, रुई को दे दो कुछ, चेयर पे बैठ जाओ ना पकड़ के। खाना खा के हो गए जी हम फ्री, अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो वीडियो को करते हैं फ्रेंड्स यहीं पे एंड। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए।